नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और तिरंगे को दी सलामी। प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने परेड का किया निरीक्षण। ब्राओ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड परिसर में फहराया गया 111 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। पूर्व सैनिक, शहीद परिवार, दिव्यांग जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मान। नरकटियागंज में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हर्षोल्लास के साथ लहराया तिरंगा, एक दूसरे ने लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन के समय विद्यालय बन गया रण क्षेत्र। मोहर्रम का झंडा लहराते हुए लगाया गया देश विरोधी नारा, पुलिस ने एक को लिया हिरासत में। मुंगेर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोलो मैदान में आयोजित की गई स्वतंत्रता दिवस समारोह, प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिता देवी ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोतिहारी में चेला मेड़ी मेमोरियल स्कूल के छात्र छात्राओं ने निकाला तिरंगा यात्रा। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू बनकर छात्र छात्राओं ने दिया लोगों को संदेश। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर कच्चा तेल से भरा वैगन ट्रैंक के ऑयल टैंकर में लग गई आग। बड़ी घटना से बाल बाल बचे स्टेशन पर के यात्री। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नरकटियागंज में एक युवक ने दूसरी महिला से अवैध संबंध के कारण अपनी पत्नी की हत्या। पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल के कूड़ा से मिला नवजात बच्ची। इलाज के 5 घंटे बाद बच्ची की हुई मौत। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में अवैध नर्सिंग होम से प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने परेड का निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अपने संबोधन में जिले भर में सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में जिलेवासियों को अवगत कराया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर परेड में 71वीं बटालियन SSP पिपराकोठी, सैफ बल, बिहार सैन्य पुलिस, PTC जिला बल, जिला पुलिस, जिला महिला पुलिस बल, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, NCC स्काउट और फायर ब्रिगेड के बल शामिल थे। वहीं जिले भर में अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस संपन्न हो गया। पूर्वी चंपारण के सभी भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जन सहयोग से जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जरूर पूरा करेगी और साथ ही साथ जिले का सर्वांगीण का समावेशी विकास हो, ये हमारी कामना है। और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, जो कुछ भी सहयोग इस जिले के विकास के लिए हो पाएगा, शांति व्यवस्था कायम रखने में। पूर्वी चंपारण जिले के सरोतर में ब्राओ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड परिसर में CMD राकेश पांडे ने 111 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा को फहराया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देशभक्ति गीतों का शानदार अंदाज में कलाकारों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जिले के सरोतर में निर्माधीन ब्राओ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्राओ फार्मा के CMD राकेश पांडे ने समारोह में पहुंचे पूर्व सैनिक, शहीद परिवार, दिव्यांग जनप्रतिनिधियों के साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को फूलमाला अंगवस्त्र के साथ मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। वहीं श्री पांडे ने अपने संबोधन में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि यह स्वतंत्रता हमें एकाएक नहीं मिली थी, बल्कि यह देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का नतीजा था। इस आज़ादी के मतवालों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं उनको नमन करता हूँ।
इस दौरान उन्होंने निकट भविष्य में चंपारण के सभी प्रखंडों में 111 फीट का ऊंचा तिरंगा ध्वज लगाने की उम्मीद जाहिर की। इसमें 700 से अधिक पूर्व सैनिक, शहीद परिवार, दिव्यांग, जिले के विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य, श्रमवीर के अलावा बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया। नरकटियागंज में स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्षगांठ पर हर्षोल्लास के साथ सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा लहराया गया। नरकटियागंज अनुमंडल परिसर में SDM धनंजय कुमार ने ध्वजारोहण कर लहराते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगान की गूंज से पूरा अनुमंडल परिसर गूंज उठा था। साथ ही DSP कुंदन कुमार ने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। उसके पश्चात क्रमवार अंचल परिसर में प्रमुख सुनैना देवी सहित ICDS, RPF, GRP, रजिस्ट्री ऑफिस, डाकघर, शिकारपुर थाना परिसर और नगर परिषद सहित सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। पूरा देश जहां आजादी के इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक स्कूल परिसर में झंडोत्तोलन के समय देश विरोधी नारे लगाए गए और इस्लामिक झंडे को लहराया गया। जिले के सीताराम उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल सरैया में हुड़दंगबाजों ने झंडोत्तोलन के समय ही मुहर्रम का चांद तारा वाला झंडा लेकर अल्लाह अकबर जिंदाबाद का नारा लगाने लगा, जिसके बाद लोगों ने इस नारे को सुनते ही लोगों की कान खड़े हो गए। इस पूरी घटना की सूचना जैसे पुलिस को लगी, वैसे तुरंत पुलिस ने स्कूल परिसर में पहुंचकर उस लड़के को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वहीं दौड़कर स्कूल परिसर पहुंच गए और आक्रोशित लोगों ने इस घटना को जमकर विरोध किया है। पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक की पहचान जौकटिया चौक निवासी शाहिद हसन के रूप में किया गया है। इधर थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि हिरासत में लिए गए आरोपी ने कुछ अन्य अपने साथियों का नाम बताया है। पुलिस इस मामले की गहनतापूर्वक जांच में जुट गई है। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व प्रभारी मंत्री श्रीमती अनीता देवी ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर स्थानीय भाजपा और कांग्रेस विधायक के अलावा आयुक्त, DIG, जिलाधिकारी, SP के अलावा भारी संख्या में पुलिस जवान और गणमान्य लोग के साथ स्कूली बच्चे मौजूद थे। झंडोत्तोलन के पूर्व प्रभारी मंत्री श्रीमती अनीता देवी ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी और अन्य विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री श्रीमती अनीता देवी ने सरकार की ओर से चलाई जा रही कई जन उपयोगी कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत आज मोतिहारी के चेलामेड़ी मेमोरियल स्कूल के छात्र और छात्राओं ने एक मनमोहक तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू बनकर छात्र और छात्राओं ने अपनी मनमोहक दृश्य पेश की।
बता दें कि चंपारण में निलहों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण पहुंचे थे और चंपारण उनकी कर्मभूमि रही है, जिसके बाद से ही वह महात्मा गांधी बन गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर यह देश आज स्वच्छता और शिक्षा का अलख जगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी चंपारण बुलाया था, जहां से उन्होंने बुनियादी स्कूल का शुरुआत की और उसी के मद्देनजर रखते हुए चिलामेड़ी मेमोरियल स्कूल के छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू बनकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और जिला में एक अलग संदेश दिया। यूँ तो आज स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ ही पूर्वी चंपारण में आज पूरा स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंग चुका है। समूह केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुजफ्फरपुर के प्रांगण में 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राम पुकार ने क्वार्टर गार्ड पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया, जिसके बाद देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों को भारत सरकार से मिले पुरस्कारों की घोषणा किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राम पुकार ने अपने संबोधन में CRPF द्वारा किए जा रहे देश सेवा का जिक्र करते हुए बल द्वारा सर्वोत्तम योगदान देने के संकल्प को दोहराया। साथ ही सभी जवानों और उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। CRPF बैंड के जवानों द्वारा देशभक्ति धुनों को बजाकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवान और अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस समूह केंद्र में पदस्थ श्री प्रशांत कुमार उप कमांडेंट को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हुए नक्सल अभियान में मिली सफलता के लिए दिया गया है। मुंगेर जिले के मॉडल रेलवे स्टेशन जमालपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जब 52 बोगियों वाली तेल से भरा हुआ वैगन ट्रैंक के एक ट्रैक में आग लग गई। आग को लगता देख ही प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे दो रेलवे कर्मियों ने तत्परता से इस बात की सूचना ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड के अलावा स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने वैगन टैंक को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकवाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से टैंक में लगे आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। टैंक में लगे आग को देखते ही आनन फानन में प्लेटफॉर्म पर रुके यात्रियों को खाली करवाया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो सके। हालांकि समय रहते रेलकर्मियों और यात्रियों की सतर्कता ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि वैगन ट्रैंक RNI से PBCP जा रही थी। ये जमालपुर थाना के द्वारा सूचना मिला था कि रेलवे स्टेशन जमालपुर पर ये मालगाड़ी पेट्रोल रैक में चिंगारी से आग लग गया है, जिसकी सूचना के आधार पर हम लोग जमालपुर थाना पर आए हैं तथा लगे हुए आग को ये फायर एक्सटिंग्विशर से तथा दमकल की गाड़ी से पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। इस गाड़ी में किसी प्रकार की क्षति नहीं है, न तो किसी जीव जंतु की क्षति है। अभी ट्रेन पकड़ने के लिए हम आए कुछ देर पहले, तो यह बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये टैंकर के ऊपर ढक्कन में काफी आग लग चुका था। यह बहुत सारे पब्लिक जो यह प्लेटफॉर्म में पहले से वो सतर्क रहने के कारण गार्ड को बताया, स्टेशन मास्टर को जानकारी देते हुए अफरा तफरी मच गया। इस वजह से ये बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विवाहित महिला का शव उसके घर से बरामद किया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतका की शादी 7 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से नरकटियागंज निवासी सुजीत कुमार के साथ हुई थी और उनके 5 वर्ष का एक बेटा भी था।
मृत महिला के पिता ने बताया है कि उसके दामाद का किसी महिला से अवैध संबंध था और रोज शराब पीकर अपने पत्नी से मारपीट करता था। इसी बीच बीती रात भी सुजीत शराब पीकर आया था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था और जब आज सुबह देखा तो ममता का शव उसके रूम में पाया गया। वही मृतका के पिता ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी ममता की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की की गला घोट के हत्या कर दूसरे औरत के साथ कोई नजायज संबंध मरद दूसर के चक्कर में रहत रहे मार दल बेटी के नटी दाब के। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के जिहुली पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा ग्राम गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत के 151 शिक्षकों को फूल माला अंगवस्त्र और ग्राम गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवहर सांसद रमा देवी, चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता और पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में कार्यरत सेवानिवृत्त और मृत शिक्षक के परिजन शामिल थे। पंचायत के मुखिया श्री कुमार द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। पिछले गणतंत्र दिवस के अवसर पर 51 पुलिसकर्मियों को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवहर सांसद रमा देवी ने कहा कि पंचायत के मुखिया द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम एक अनोखी पहल है। मैं विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राजीवली। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत में ग्राम गौरव सम्मान का आयोजन किया गया था। इसके तहत पंचायत के 151 शिक्षक गण को सम्मानित किया गया है। प्रति साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे द्वारा ग्राम गौरव सम्मान का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 51 पुलिसकर्मी को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। बारी बारी से पंचायत के मान सम्मान बढ़ाने वाले व्यक्ति को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर चिन्हित कर उन्हें ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नरकटियागंज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मंडलीय अस्पताल में कूड़ा से एक नवजात बच्चे को लबारिस हालत में देखा गया, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में हरकंप मच गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने नवजात शिशु को उठाकर इलाज करने में जुट गई, लेकिन नवजात बच्चे की इलाज के दौरान लगभग 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया है कि बुधवार की अहले सुबह अनुमंडलीय अस्पताल के ई इमरजेंसी वार्ड के पीछे जलजमाव के बीच बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। नाइट गार्ड प्रदीप गिरी ने आवाज़ सुनकर अपने सहयोगियों के साथ जलजमाव वाले पानी में घुसकर लबारिस हालत में फेंकी गई नवजात शिशु को निकाला, जिसके बाद बच्ची के जीवित होने पर उसने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन बच्ची की इलाज में जुट गई। एक ओर स्वास्थ्य विभाग ने मातृ शिक्षा सुरक्षा के साथ गर्भवती महिलाओं व नवजात के मृत्यु दर कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर संस्थागत प्रसव बढ़ाने व जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर जिले में आए दिन फर्जी चिकित्सकों के क्लिनिक व नर्सिंग होम में गर्भवती महिलाएं नवजात शिशुओं का मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल के दिनों में जिले के तुरकौलिया, छोरादानो, फेनहारा सहित चिरैया में फर्जी चिकित्सकों के यहाँ मौत का मामला सुर्खियों में था। तभी बीती रात ढाका के आजाद चौक पर स्थित डॉक्टर आरके प्रसाद और डॉक्टर शिखा कुमारी के नाम से चली आ रही अवैध नर्सिंग होम में कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी एक प्रसूति महिला की मौत प्रसव के दौरान हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद नर्सिंग होम के संचालक और परिजनों में काफी तूतू-मैं-मैं के बाद इतना तुल पकड़ लिया कि ढाका पुलिस की 112 नंबर वाहन दल ढाका थाना की गश्ती दल को पहुंचकर मामले को शांत कराना पड़ा। वहीं मृतक के शव को काफी मशक्कत के बाद ढाका पुलिस थाने लाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर परिजनों ने डॉक्टर और हॉस्पिटल के कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाया है।
आज के लिए रियल न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज बिहार। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार, 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर, आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें, देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।